जय हिंद। इससे पहले के क्लास में हम आपको फ्लावर यानी फूल के ए टू जेड पार्ट्स फंक्शन के बारे में समझा दिए थे। अब इसमें हम लोग परागण और निषेचन समझेंगे। परागण कितने प्रकार का होता है, पर परागण और स्व परागण, और किन किन चीज़ों से परागण हो सकता है। देखिए, परागण क्या होता है, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। आपको हम पढ़ा दिए थे कि ये है पराग कोष, इसमें छोटे छोटे कण भरे हैं जिसे हम पराग कण कहते हैं। तो पराग कण का इस मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग को हम वर्तिकाग्र कहते थे, हम आपको बताए थे स्टिग्मा फ्लावर वाले पार्ट में। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब ये इसी से ये प्रजनन करते हैं। अब देखिए, प्रजनन ये लोग खुद से, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है, इसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। या हवा के द्वारा हो सकता है, या कीड़े मकोड़े द्वारा हो सकता है, मधुमक्खी द्वारा हो सकता है, भौंरव द्वारा हो सकता है। तो जो दूसरे के माध्यम से, देखिए ध्यान से, ये मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी के पैरों पर देखिएगा तो छोटे छोटे बाल होते हैं, इसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं। जब ये मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है तो उनके बालों में ये पराग कण चिपक जाते हैं, और ये मधुमक्खी उसी पर टहलते टहलते जब यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचती है तो इस वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे कि वो उसको चिपका लेता है, और इस प्रकार परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो जितने भी फूल होते हैं उनमें ज़्यादातर में परागण की जो क्रिया होती है वो भौंरों द्वारा ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भौंरे ही परागण करते हैं, परागण के और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। मतलब बस इतना समझिए, परागण क्या होता है कि पराग को कण को वर्तिकाग्र तक लाना परागण कहलाता है। ये कई चीज़ों के द्वारा हो सकता है। देखिए कौन कौन सी चीज़ों द्वारा हो सकता है। देखिए, एंटोमोनोफिली किसे कहते हैं, अगर कीट द्वारा, कीट जैसे भौंरा हो गया, मधुमक्खी हो गई, ये सब चीज़ों द्वारा अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटोमोनोफिली, कीट द्वारा। सबसे ज़्यादा अगर परागण, ज़्यादा सबसे महत्व अच्छा परागण माना जाता है इसी को। और ऑर्निथोफिली क्या होता है, जब पक्षी द्वारा परागण होता है, यानी पराग कोष को लेके आ गए किसके द्वारा, पक्षियों द्वारा। अब ये मादा, ये क्या है, वर्तिकाग्र, और यहाँ पर है, यहाँ से अगर पक्षी द्वारा आ गया तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। अब एक होता है एनिमोफिली, हवाओं द्वारा। अब एक बात बताइए, जहाँ पर गेहूँ चावल बोया गया है, पूरे गाँव के गाँव में गेहूँ बोया गया है, भौंरा वगैरह परागण कर पाएंगे सब, एक बार इस गेहूँ में बैठेगा फिर उसमें बैठेगा, पता चला एक सीजन निकल गया परागण करने में। तो जो अनाज होते हैं, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि में जो परागण की क्रिया होती है वो हवाओं द्वारा होती है। हवाएं जब उसे लहराती हैं तो एक से दूसरे में वो टच करते हैं जिससे कि क्या हो जाता है, परागण की क्रिया हो जाती है। तो ये एनिमोफिली। हाइड्रोफिली, जल द्वारा परागण, पानी के द्वारा भी परागण हो सकता है जलीय पौधों में। अब इसमें ज्यादातर लड़के गलती मार देते हैं, कहेगा कमल के फूल में परागण कैसे होता है, मार दिया वो किसके द्वारा, जल द्वारा, गलत है। कमल के फूल में भौंरा द्वारा परागण की क्रिया होती है। अब एक होता है जूफिली, बड़े बड़े जीव जंतुओं द्वारा जब परागण की क्रिया हो जाए तो उसे जूफिली भी कहते हैं। जैसे आप कभी बाग बगीचे में जाते होंगे तो किसी फूल लाइन से लगाया गया होता है तो आप ऐसे हाथ से टच करते हुए आगे चले जाते हैं, बस आपके हाथ से इसमें को उसमें लग गया, जूफिली। जूफिली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हाथी द्वारा परागण। हाथी परागण कैसे कहती है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया, 40 किलो का होता है, समझ में आया। दुल्हा जब जाता है ना शुरू शुरू में तो परछौना होता है, फूल फेंका जाता है, कहीं गलती से रेफलेसिया फूंक दिया, बाहरो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो 40 किलो का फूल हाचाक से गिरेगा, मरिए जाएंगे वो। तो बड़ा फूल होता है रेफलेसिया, उसको हाथी उसमें से रस चूसती है तो उसके जो थुथुर होता है हाथी का उसमें लग जाता है, और उसी थुथुर से वो दूसरे फूल को छूती है, बस इसमें से उसमें चला जाता है। तो हाथी द्वारा किस में होता है, रेफलेसिया में। तो सबसे बड़े फूल में हाथी द्वारा, रेफलेसिया में, और सबसे छोटा फूल वुल्फिया, उसमें कीट द्वारा होता है। ज़्यादातर परागण कीटों के द्वारा होता है। इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बहुत से लड़कों को यो नहीं पता होता है डिस्क्रिप्शन किधर रहता है, नीचे देखिएगा एक ऐसे बटन रहता है उसको दाबिएगा तो उसी में मिलेगा आपको PDF। आगे समझते हैं, ये परागण भी ना दो तरह से होता है, एक होता है स्व परागण, एक होता है पर परागण। अब ये स्व परागण और पर परागण क्या होता है, एक ही पेड़ में अगर परागण की क्रिया हो जाती है एक ही पेड़ से तो उसे कहते हैं स्व परागण, और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में हो जाए तो उसे कहते हैं पर परागण। तो आप इसका एग्जांपल समझिए, देखिए यहाँ एक एग्जांपल में देखिए, एक ही पौधे में दो फूल लगे, आप देखिए तो ये फूल नंबर ए से इसी में हो गया परागण, तो ये क्या है, स्व परागण, और इसी से इसमें चला गया, ये भी है स्व परागण, एक ही पौधे में हो गया। लेकिन अगर भौंरा इस फूल पर बैठा और इसके पराग कण को अपने पंखों में फंसा लिया या मधुमक्खी फंसा ली और उड़ के ये दूसरे फूल पे चला गया तो ये स्व परागण नहीं है, अब ये क्रॉस पॉलिनेशन है, पर परागण।
ये क्या है स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन और ये क्या है क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप कहिएगा कि सर इसमें अच्छा कौन सा होता है, तो इसमें अच्छा जो होता है वो पर परागण होता है, दूसरे जगह में इससे पर परागण होगा तो जो अगला नस्ल आएगा जो अगली फूल आएगी वो बहुत अच्छी होती है, और नहीं तो अगर स्वपरागण होगा तो अगला फूल अच्छा नहीं आएगा। तो आप लोग देखते हो गमला में गुलाब का फूल बोते होते हैं छितर जाता होगा, और वही जो गिफ्टवा देते हैं फूलवा खरीद के लाते हैं वो बड़ी अच्छा खिलता है, तो वो कौन सा है क्रॉस पॉलिनेशन से। इसीलिए पंडित जी लोग भी जब लड़का लड़की की शादी करते हैं ना तो कुंडली मिलाते हैं कि कोनो एक के मैच मत कर जाए, एक के गोत्र मतलब कुछ कुछ मैच मत कर जाए, मैच ना करें, मैच कर गया मतलब क्या है स्वपरागण, तो क्या चाहते हैं दूर से हो एकदम, ताकि क्या हो पर परागण, कि जो अगला नस्ल आ रहा है बबुआ झुंझुना छुटुआ वो बहुत टैलेंटेड होगा, अन्ना तो अगले बगले मोहल्ला वोल्ला में फंसा लेंगे तो वही बोधा पैदा हो जाएगा। तो लड़कियाँ क्या कहेगी, सोच रहा मेरा लड़कवा बोधा है अपने बाप पे पड़ गया है, अरे पगली बाप पे कहाँ पड़ा है, तू मोहल्ले में फसल थी तो क्या होगा, दूर फंसो। परागण समझ में आ गया, अब निषेचन समझते हैं, परागण के बाद निषेचन क्या होता है। देखिए परागण आप समझ गए, परागण आपसे क्वेश्चन पूछेगा परागण कहाँ पर होता है, तो परागण की क्रिया कहाँ पर होती है, तो इस ऊपरी भाग वर्तिकाग्र पर होती है। अब निषेचन क्या होता है कि जो परागण के फल स्वरूप जो पराग कण यानी पॉलिनेशन के रिजल्ट के थ्रू जो पॉलिन ग्रेन पराग कण आया है उसका नीचे उतर जाना कहाँ पर, अंडाशय में, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं पर निषेचन कहते हैं। अब आपसे कहेगा निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन अंडाशय में होता है, कहेगा परागण कहाँ होता है, तो परागण वर्तिकाग्र पर होता है। निषेचन को समझने से पहले आपको कुछ बातें हम यहाँ समझा देते हैं। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन करता होगा आपका गैमेट यानी युग्मक क्या होता है। युग्मक देखिए मेल का पार्ट और फीमेल का पार्ट जो आपस में मैच करना चाहता है उसे क्या कहते हैं युग्मक। जैसे मेल में अगर बात करेंगे तो स्पर्म और फीमेल में ओभम, यही मैच करते हैं तो नेक्स्ट संतान बनती है, तो ये क्या होते हैं युग्मक। अभी अलग अलग हैं तो इसे क्या कहते हैं युग्मक। उसी तरह फूल में भी होता है, यहाँ क्या है पराग कण ये मेल का युग्मक है और इस ओभम में क्या ओवरी में क्या है अंडा है, तो ये फीमेल का युग्मक है। अगर आप इंसान में बात करेगा तो इसमें स्पर्म जो है वो मेल गैमेट यानी नर युग्मक है और ओभम जो होता है फीमेल का वो मादा युग्मक होता है। जैसे ये युग्म को बना लेते हैं मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं युग्म नज, उसे क्या कहेंगे युग्म नज यानी जाइगोट, और यह जाइगोट जब तक पैदा नहीं हो जाता बच्चा जन्म नहीं ले लेता जब तक माँ के पेट में रहता है उसे क्या कहते हैं भ्रूण कहते हैं, भ्रूण यानी एम्ब्रॉय, समझा एम्ब्रॉय के बाद बच्चा पैदा हो गया। अब आप देखिए जरा उल्टा देखते हैं, बच्चा जो पैदा हो गया पैदा होने से पहले माँ के पेट में था, तो जब माँ के पेट में था तो उसे क्या कहते हैं भ्रूण एम्ब्रॉय। माँ के पेट से पहले वो स्पर्म और ओभम मिला होगा, जैसे मिला तो उसे क्या कहते हैं युग्म नज यानी जाइगोट, और मिलने से पहले जब अलग अलग था तो उसे क्या कहते हैं युग्मक यानी गैमेट कहते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं इसमें अकेला कौन रहता है, तो गैमेट रहता है अकेला। जोड़ा में कौन रहते हैं सर, ग्रुप में कौन रहते हैं सर, तो ये दोनों ग्रुप में रहते हैं जाइगोट, ये ना मेल और फीमेल के मिलने से बना है, और इसी का ये बड़ा रूप क्या कहलाता है एम्ब्रॉय कहलाता है। देखिए इन दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, युग्म नज विकसित होकर क्या बनता है भ्रूण, और पूरी तरह से भ्रूण जो विकसित हो जाता है वही बच्चा बनता है, तो ये आप साइड में थोड़ा याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ आपसे पूछते हैं कि इसमें नर युग्मक यानी मेल गैमेट कौन सा है, तो जो उधर से पराग कण आ रहा है, और फीमेल गैमेट कौन है, तो इस अंडा में जो उपस्थित होगा अंदर वो फीमेल गैमेट है। जैसे ये मिल जाएंगे क्या बन जाएंगे जाइगोट यानी युग्मनज, और वो बड़ा हो जाएगा तो क्या कहेंगे भ्रूण, अब पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे बेबी। यहाँ हम समझते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बारे में। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है वर्तिकाग्र से जब वो पराग कण नीचे आता है। इसमें एक सिस्टम होता है कि पराग कण बहुत से होते हैं लेकिन नीचे तक केवल दो ही पहुंचता है, बाकी सब ऊपर ही रह जाते हैं, दो ही के आने का ही रास्ता रहता है। तो केवल कितने पराग कण आ सकते हैं बहू, तो दो ही आ सकते हैं। तो यहाँ हम दो ठो पराग कण को लाते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया जो रेड कलर से लाए हैं, तो दो ही आ सकता है यहाँ पर। अब हम समझते हैं अब अंदर जाने के बाद क्या होगा, एक जो पराग कण है वो एक अंडा के साथ मिलकर ग्रुप बना लेगा, ये ग्रुप, ये जैसे ग्रुप बन गया तो उसे क्या कहेंगे युग्म नज कहेंगे यानी जाइगोट कह लेंगे। अभी अलग अलग आ रहा था, जैसे मिल गया तो क्या बन गया जाइगोट बन गया, जाइगोट ही धीरे धीरे बड़ा होकर बेबी यानी फल का रूप लेगा, यहाँ बच्चा थोड़ी होगा यहाँ तो फल बनेगा।
तो ये हो गया आपका क्या चीज, युग्म नज। और यही युग्म नज जब विकसित होगा तो क्या बनेगा, भ्रूण। भ्रूण अब इसमें बच्चा तो होगा नहीं, इसमें फल बनेगा, तो फल जो होते हैं यहाँ बन जाएगा। अब इस फल जो विकसित होता है, जैसे माँ के पेट में बच्चा विकसित होता है तो उसको खाना कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा द्वारा मिलता है, जो माँ खाती है उसी के रास्ते। तो इसको कहाँ से मिलेगा, तो इसको मिलता है इंडोस्पर्म द्वारा। इंडोस्पर्म क्या कहलाते हैं, देखिए ध्यान से, मादा के पास तीन अंडे होते हैं किसी भी फूल में, जिसमें एक ही अंडा निषेचन में भाग लिया था, बाकी बचा दो अंडा और नर का दो परागकण आया था, उसमें एक ही गया, अभी भी एक परागकण बचा है। तो ये अलग वाला परागकण इससे ग्रुप बना लेता है। तो ये जो हो गए सब, इसे कहते हैं हम लोग इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कोष। अब आपसे कहेगा भ्रूण कोष का काम क्या है, तो भ्रूण कोष का काम है जो भ्रूण यानी जो एम्ब्रॉय है उसको भोजन देना। भ्रूण मतलब छोटा बच्चा, जो फल है, जब फल एकदम छोटा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, भ्रूण। धीरे धीरे देखते हैं फल बड़ा होता होगा। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी कोई दिक्कत? तो आपसे पूछेगा कि निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन अंडाशय में होता है। निषेचन के फल स्वरूप कितने चीज बनते हैं, तो दो, एक बनता है आपका भ्रूण जो आगे जाके बन जाता है फल, और एक बनता है इंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोष जो बच्चे जो फल को भोजन दे रहा होता है, बाद में वो समाप्त हो जाता है। और क्वेश्चन क्या कहेगा, कहेगा कि निषेचन के फल स्वरूप कितने परागकण नीचे आते हैं, तो दो। पहले से मादा में कितने अंडे रहते हैं, तो तीन। भ्रूण बनने से पहले क्या होता है, युग्म नज में कितने भाग लेते हैं, तो केवल दो, एक परागकण और एक अंडा। अब कहेगा कि भ्रूण कोष बनाने में कितने, तो तीन ठो, दो ठो तो मादा का अंडा और एक ठो नर का परागकण। तो ये समझ में आया। अब इसमें पूछ देता है कि अकेला कौन था, तो परागकण जब उधर था तो अकेला था, अंडा जब इधर था तो ये भी अकेला था। यानी अकेले की बात करेंगे तो गैमेट जो था यानी युग्मक, ये अकेला था। जैसे ही परागण के बाद निषेचन हुआ, ये अकेला नहीं हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ देखिए, जो निषेचन के फल स्वरूप युग्मक बना है, दो ठो का जोड़ा युग्मक, ये क्या है, डुप्लाइड है यानी दो ठो है। इसी का विकसित रूप जो होता है एम्ब्रॉय यानी भ्रूण, तो वो भी तो डुप्लाइड होगा, दो ही से मिलकर बना है, बस साइज में बड़ा है। कहेगा ट्रिपलाइड कौन होता है, जिसमें तीन गो किस्में पाए जाते हैं, तो ट्रिपलाइड जो होता है वो इंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोष ट्रिपलाइड होता है, इसमें तीन गो कण होते हैं ट्रिपलाइड। कहेगा कि युग्मक क्या होते हैं, तो युग्मक जो होते हैं हेप्लाइड होता है, अकेला होता है। कहेगा युग्मनज कैसे होते हैं, तो डुप्लाइड होते हैं। तो निषेचन समझ में आ गया, निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है, फल बनता है। इसके आधार पर फल को हम लोग कई भाग में बांटते हैं। निषेचन में अगर फल निषेचन अंडाशय में हो गया तो सत्य फल, अंडाशय अगर छेद है अंडाशय में तो ये पुष्पासन में चला आएगा, तो इसे असत्य फल। इसके आधार पर हम फलों को कई भाग में बांटेंगे, सत्य फल, असत्य फल, संग्रथित फल, मांसल फल, सूखा फल, फल भित्ति के आधार पर भागेंगे। टोटल 9-10 टाइप का बांटेंगे फल के चैप्टर में। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब नेक्स्ट हम आपको फल यानी फ्रूट में आपको फलों के प्रकार समझा देंगे। तब तक जय हिंद।